मेरे पास जैसे ये सर्टिफिकेट है, अब इसको मैंने जो है स्कैन करना है, तो चलिए इस सर्टिफिकेट को स्कैन करते हैं। कैसे करना, ये मेरे पास ये लैपटॉप है, ये प्रिंटर है, एप्सन का प्रिंटर है, यहाँ पे 6270 मॉडल है, और इसकी वायर जो है कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ पर, यानी कि लैपटॉप से प्रिंटर। तो आप देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या है डॉक्यूमेंट को रखना है, यहाँ से आप ओपन करेंगे। एक डॉक्यूमेंट पहले से मैंने रखा हुआ था, इसको हटा देता हूँ मैं। और इस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, आपने इसको उल्टा के रखना है, ऐसे करके रखना है उल्टा के, ठीक है, ऐसे उल्टा के रखना है, और एक कोना जो है आपका इसमें टच कर देना है, ठीक है, वो मेरे आपको समझ आएगा ऐसे, है ना। इसको ढक देंगे और फिर स्कैन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मैंने शॉर्टकट ले रखा है, यहाँ पे एप्सन 6270 जो है मेरा ये प्रिंटर है, इसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे ले रखा है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, अभी राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट स्कैन। तो अगर जो आपके पास ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखेगा, यहाँ पे सर्च में जाके कंट्रोल पैनल लिखना पड़ेगा, कंट्रोल लिखेंगे आप, यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा लैपटॉप से या आपके सिस्टम से वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंटर ये कनेक्टेड है, यहाँ पे दिख रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार स्कैन का ऑप्शन आते हैं, हम स्टार स्कैन कर देंगे और हमारा जो है डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो को हटा के यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फीडर को हटा के फ्लैट वेट कर देंगे, और ये जो ग्रे स्केल है इसको हम कलर कर देंगे, कलर में करना चाहते हैं, और इसका एक्सटेंशन जिसका JPG कर देंगे हम, और इसके बाद इसको हम 300 रहने देंगे, और प्रीव्यू करके पहले देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए सही से आ रहा है, तो हम इसको स्कैन पे क्लिक करके स्कैन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्कैन करना है, और ये स्कैन करने के बाद जो है आप देखेंगे कितना बड़ा भी फाइल होगा वो KB में स्कैन होके आता है, चाहे आप 5 MB का फ़ोटो को भी आप स्कैन करेंगे, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट का कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो KB में ही आता है। तो KB में क्या होगा कि अपलोड करने में हमें KB में ही मांगा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी हमें अपलोड करना होता है। तो ये हो गया मेरा, और ये इसके बाद यहाँ बोलेगा लोकेशन कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पे आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे हो रहा है डेस्कटॉप, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे पहले इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके वीडियो पिक्चर में, और अगर जो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो फिर ब्राउज करके यहाँ पे कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे रहने देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा, यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा, इसलिए मैं नाम देता हूँ फटाफट, ये मैंने कर लिया है, अब इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये आपका स्कैन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर ये मेरा स्कैन होके यहाँ पे आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया, थैंक यू सो मच।